Okay, good morning. Good morning, my dear. I am K. Kunwar. Here starts a new topic, electric flux. This is a very vital topic for knowing the Gauss theorem. Before starting the Gauss theorem, it's very यूजफुल टू नो. तो इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो देखेंगे कि पहला कॉन्सेप्ट हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखना होगा एरिया वेक्टर का. तो हम एरिया वेक्टर को देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शुरू करने से पहले. एरिया वेक्टर अब है क्या, इसको हम लोग खूब बढ़िया से समझेंगे. आप लोग सभी आदमी एरिया को समझे होंगे. एरिया के बारे में सबको पता होगा वह एरिया क्या है. तो कोई भी सरफेस है उसका एरिया होता है. जैसे आप कहेंगे रेक्टेंगुलर शेप है उसका एरिया हो गया, स्क्वायरल शेप है उसका एरिया हो गया, स्फेरिकल शेप है उसका एरिया हो गया. तो अब ये सब एरिया जो है यह क्या है, यह एरिया आपको उस सरफेस का जो भी होगा उस एरिया के परपेंडिकुलर जो होगा वह एरिया वेक्टर होगा. ठीक है, परपेंडिकुलर. अब इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि एरिया जो है वह कैसे होगा. ये आपका सपोज कीजिए ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर है. तो यह स्क्वायर जो है वह किस प्लेन में है. वह स्क्वायर सपोज कीजिए कि यह एक्स प्लेन में. स्क्वायर का जो प्लेन है यहाँ हम लोग मान लें प्लेन ऑफ स्क्वायर. यह स्क्वायर है दैट इज एक्स. एक्स प्लेन यहाँ दे दिए, प्लेन ऑफ स्क्वायर एक्स प्लेन है. एरिया वेक्टर क्या होगा. तो एरिया वेक्टर वह एरिया वेक्टर क्या होगा. अब प्लेन ऑफ स्क्वायर एक्स प्लेन में है तो एरिया वेक्टर होगा या तो वाई प्लेन में होगा या जेड प्लेन में होगा. या तो वाई प्लेन में होगा या जेड प्लेन में होगा. और आप जानते हैं जैसे एक्स प्लेन की बात करते हैं हम लोग, ये हो गया सपोज कीजिए एक्स प्लेन. ऐसे ये तीनों प्लेन को मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्स प्लेन. ये एक्स प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा ये वाई प्लेन, वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा जेड प्लेन. तो यदि एरिया जो है जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका हो गया स्क्वायर ये एक्स प्लेन में. तो एक्स प्लेन में है तो यह क्या होगा, वाई या जेड प्लेन में एरिया वेक्टर होगा. जैसे यहाँ देखिए ये रेक्टेंगल में रेक्टेंगुलर शेप आपके सामने लेके आया, ये रेक्टेंगुलर शेप है. इस रेक्टेंगुलर शेप को देखिएगा तो यह रेक्टेंगुलर शेप जो है हमारा इस तरह से, सपोज कीजिए इस तरह से ऐसे यदि है ना, ऐसे इसको हम लोग माने. ये कैसे हो सकता है पहले ये देखिए, ये एक प्लेन, दूसरा प्लेन ऐसे एक और यदि होता तो ऐसे, और तीसरा प्लेन जो है वह कैसे हो सकता है उधर तो बोले तीसरा एक और इस तरह से इसके परपेंडिकुलर है ना. तो देखिए इस तरह से आपको हो गया, ये एक एक्स है. यदि ये आपका ये एक्स प्लेन मान लीजिए, ये वाई प्लेन, तो ये क्या है जेड प्लेन. ये 3D है, इसको समझाने के लिए मैं यही कोशिश कर रहा हूँ. ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन और ये जेड प्लेन. आप घर के किसी कोना को देखिएगा, एकदम अंतिम पॉइंट जो है, कोई छत है, छत का कोई कॉर्नर है, तो छत का कोई कॉर्नर यदि देखिएगा
तो वह कॉर्नर क्या होता है, वह उसमें एक्स प्लेन भी होता है, वाई प्लेन भी होता है और जेड प्लेन भी होता है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक ये इसको आप यदि देखिएगा, यदि एक प्लेन है इस ब्लैक बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का एक प्लेन है, दूसरा प्लेन हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि देखिए एक छोटा सा प्लेन यहाँ लेते हैं, एक ऐसा प्लेन खड़ा किए, ठीक है, एक ऐसा प्लेन खड़ा किए और एक ऐसा प्लेन खड़ा किए, देखिए तो ये तीन प्लेन तैयार हो गया आपका, है ना, ये तीन प्लेन आपके पास हो गया, दिख रहा होगा। तो एक प्लेन यदि हम इसको ब्लैक बोर्ड को एक्स प्लेन मानते हैं तो ये जो कार्ड है ये वाई प्लेन होगा और ये जो है ये हो गया आपका जेड प्लेन। तो तीन प्लेन यहाँ पर बना, ये तीन प्लेन जो आप देखे, इस तीन प्लेन को देखने के बाद इसी में से मैं कह रहा हूँ कि अब इसको यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पर यदि हम देखें कि एक प्लेन है ना, यदि कोई शेप है तो अब ये ब्लैक बोर्ड यदि हम कहें कि एक्स प्लेन है, ब्लैक बोर्ड एक्स प्लेन है तो ये वाई प्लेन हो सकता है और ये जेड प्लेन हो सकता है, जेड प्लेन। तो ब्लैक बोर्ड का के प्लेन में यदि कोई सरफेस रखा हुआ है तो उसका एरिया फैक्टर या तो ये कार्ड के कार्ड वाला प्लेन में होगा, नहीं तो ये मोबाइल का जो कवर है इस मोबाइल के कवर के प्लेन में होगा, ठीक है, इस तरह से होता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो होगा वह हर हमेशा क्या होता है कि एरिया वेक्टर हर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हर हमेशा ध्यान देना। और सबसे मज़े की बात है एरिया आपका स्केलर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है लेकिन एरिया वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर नाम भी जुड़ा हुआ है तो वही हो गया एरिया वेक्टर। आशा है कि आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पर हम लोग यदि इसको देखें तो अब देख लीजिए, ये प्लेन यदि हम लिए उसी तरह से, ये एक्स प्लेन यदि है मैं अभी जो बताया, तो वाई प्लेन एंड जेड प्लेन, ठीक है, इसको फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से आप देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड का प्लेन को यदि हम कहें, जैसे ये हो गया, इसको ही मैं बनाया, इसके बाद देखिए इसका एरिया वेक्टर जो होगा वह या तो इस प्लेन में होगा नहीं तो इस प्लेन में होगा, देखिए है ना, क्लियर है, या तो इस प्लेन में होगा, ये कार्डबोर्ड के प्लेन में होगा, इसको हम वाई माने, और ये आपको मोबाइल का केस जो है इसको जेड माने, तो इस दोनों में से किसी एक प्लेन में हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जो भी एरिया वेक्टर होगा, अब आप समझ गए कि एरिया वेक्टर जो भी होगा वह क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर मीन्स कि ये जो हमारा ये स्क्वायर है इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर होगा। इसको यदि हम लोग दिखाएंगे तो कैसे दिखा सकते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे, है ना, हम लोग तिरछा से थोड़ा सा दिखाएंगे, देखिए ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे दिखाना चाह रहे, ऐसे ये हो गया आपका। तो ये जो होगा वह एरिया वेक्टर होगा, एक ये हो गया जो अभी ये कार्ड आपको दिखा रहा था, है ना, देखिए ये कार्ड हो गया, फिर दूसरा जो दिखेगा ये इस प्लेन में हो गया, ये परपेंडिकुलर दिखा, फिर देखिए इसको हम लोग देख रहे हैं इस प्लेन में भी, ये भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए एरिया वेक्टर इस तरह से होगा। तो हर हमेशा ये ध्यान देना होगा, प्लेन ऑफ एरिया हो गया, प्लेन ऑफ एरिया क्या, प्लेन ऑफ एरिया ध्यान दीजिएगा, ये प्लेन ऑफ एरिया एंड
एरिया वेक्टर नाम ही है इसका एरिया वेक्टर बोथ शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे लिखें तो बोथ शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना इसको यदि वर्ड में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया नंबर एक अब दूसरी बात ये तो आप लोग समझ गए होंगे हमें लग रहा है अब एरिया वेक्टर को प्लेन ऑफ एरिया एरिया वेक्टर का अगला एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी तीसरा क्या होगा यूनिट ऑफ एरिया वेक्टर इज मीटर स्क्वायर ऐसा है ये मीटर स्क्वायर हो गया इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए तो ये हो गया आपको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट अब इस एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग चलेंगे किधर तो अब हम लोगों को समझना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर को यदि समझ लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा इसीलिए मैं इसको बता रहा था अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि हम लोग देखेंगे वह क्या है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हम लोग बात करेंगे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासेज थ्रू एरिया वेक्टर यहाँ हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासेज थ्रू एरिया वेक्टर देखिए पासेज थ्रू एरिया वेक्टर कितना मजेदार चीज मैं बता रहा हूँ इस पर गौर कीजिएगा अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये जो है आपका ये क्या यदि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये एक ये हो गया इस दोनों की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है ये मोर डेंसर है डेंसिटी के हिसाब से ये क्या है मोर डेंसर और ये क्या है लेस डेंसर इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका जो होगा वो अधिक होगा मोर डेंसर में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर सॉरी
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, गलती से मैं बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस, ये हो गया। तो एक में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोर, दूसरे में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेस, दोनों हो गया, ये आप समझ गए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए, यहाँ पर एरिया है, इसको देखिए, इसको देखने से आपको लगेगा जैसे ये है, ऐसे ये पास कर रहा है एरिया वेक्टर के थ्रू, है ना, थ्रू एरिया वेक्टर। तो ये क्या हो गया, यह हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे ले लिए, ऐसे ऐसे इस तरह से, देखिए ये हो गया। तो देखिए यही हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस तरह से यदि हुआ जैसे ये है, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यदि हम लोग कहें दूसरे टर्म में, तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड, कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड, इट इज डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, ऐसे पूरा ही लिख दें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना। तो देखिए ये ऐसे यदि जा रहा है तब इसमें क्या होगा, फाई को हम लिखते हैं तो ई डॉट ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी यह बनाता है। अब इसको यदि दोनों को ई डॉट ए करते हैं, तो ई डॉट ए तो यहाँ पर कैसा है, आप देखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर। अब मान लीजिए यहाँ आपको मैं अभी समझाया कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, यह इस रेक्टेंगुलर शेप के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। ध्यान दीजिए, इस रेक्टेंगुलर शेप का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हुआ, और उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब वह क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल यदि हम लोग कहें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एरिया वेक्टर, ऐसे इसको तत्काल के लिए आपको ये रिकॉल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये मार्कर परपेंडिकुलर एरिया के, ये भी मैं क्या बोला कि प्लेन ऑफ एरिया, मैंने एरिया का प्लेन जो होगा उसके परपेंडिकुलर जो होगा वह क्या होगा, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर ये हो गया, और एरिया वेक्टर और ये जो बता रहा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। जब सेम हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों जब सेम हो जाएगा तो एंगल क्या बनेगा यहाँ, तो देखिए इस, ये तो हो गया ई ए कॉस थीटा, ये हो गया,
और यहाँ पर ईए कॉस थीटा का अब देखते हैं केस वन यहाँ पर आपका बनेगा क्या, थीटा इक्वल्स जीरो। केस वन में यहाँ थीटा इक्वल जीरो क्योंकि ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा जीरो तब यहाँ पर क्या हो गया फ्लक्स, यहाँ ई लगा दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई ए कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो यहाँ हो गया ई ए। तो देखिए यह जो है जब थीटा इक्वल जीरो तो फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये मैक्सिमम हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा क्यों कि थीटा जीरो है। मैं बार बार कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम प्लेन, बोथ आर इन द सेम प्लेन सो थीटा इक्वल जीरो, ये हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम प्लेन सो एंगल बिटवीन बोथ इज जीरो। इसको वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा केस, ये तो मैक्सिमम का केस हमने लिया, अब केस हम लोग बदल रहे हैं। दूसरा केस अभी हम लोग ले रहे हैं कि जैसे ये इसका एरिया हो गया, एरिया और इसको हम बदलें। सपोज कीजिए कि ये जो एरिया है, ये एरिया जो आपका है, इस एरिया को यदि हम देख रहे हैं कि इस पेन को निकालें, हम इस पेन को निकाल करके हम लोग क्या करें कि अब देखें इस तरह से इसको इस तरह से कर दें। अब देखिए यहाँ पर एक हो गया, एक और डाल देते हैं, यहाँ देखिए ये दूसरा और ये तीसरा, अब देखिए पहले जैसा था अब एंगल बदल गया, पहले परपेंडिक दोनों ये क्या था एरिया वेक्टर पहले जो था वह कैसे था, ऐसे दोनों पैरेलल था, अब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा, मींस क्या वह 90 से पहले सेम प्लेन में था, सेम लाइन पर था, कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी, लेकिन अब अंतर हो गया वह एंगल, सपोज कीजिए यह एंगल आपका कुछ बन रहा है तो अंतर हो गया, तो थीटा तो नहीं होगा, ये थीटा नहीं होगा तो ये दूसरा होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, थीटा से अधिक होगा, थीटा से अधिक कुछ भी होगा, मैं थीटा इक्वल जीरो से अधिक कुछ भी होगा तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कॉस का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था, तो यहाँ पर हम ये मान के चलें कि सेकेंड को कहें कि थीटा इक्वल्स, सपोज कीजिए कि यह हो गया 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स 30 डिग्री, थीटा 30 होगा तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पर ई
डॉट ए होता है, तो ये हो गया ई ए कॉस 30। ई ए कॉस 30 यदि हो गया तो यहाँ क्या होगा, ई ए कॉस 30, तो ये कम से कम ये जो पहले ई ए हुआ ई ए तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब ई ए कॉस 30 हो गया, इसका मतलब है कि इससे अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम लेसर, है ना, बिकम लेसर, ठीक है, लेसर देन केस वन, ये हो गया। अब केस थर्ड में दिखा रहा हूँ आपको, केस थर्ड में थीटा हम लोग ले रहे हैं 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री अब कैसे लेंगे, देखिए ये जो आपका जो यहाँ पर दिखाएंगे कि जस्ट पहले एरिया वेक्टर को मैं दिखाऊं और फिर एरिया वेक्टर को दिखा के ऐसे करते हैं, यहाँ इसी से एक एक यहाँ पर ये देखिए एरिया वेक्टर हम दिखाएंगे एकदम ऐसे। अब यह इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब ऐसे, और आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर इस तरह से, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इस सरफेस का और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, दोनों के बीच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। एरिया वेक्टर ये मार्कर एरिया वेक्टर बता रहा है, और ये जो है आपको पेन, यह पेन दिखा रहा है आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह पेन जो है आपका यह इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, और ये मार्कर यह बता रहा है एरिया वेक्टर को, दोनों के बीच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री जब होगा तब क्या हो गया, फाई इक्वल्स ई डॉट ए, अब बदल के होगा ई ए कॉस 90। कॉस 90 जैसे हो गया तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, कोई फ्लक्स आएगा ही नहीं, फील्ड का डायरेक्शन ही बदल, वो परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर के जब परपेंडिकुलर होगा तो वह फ्लक्स जो है वह जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे केस थर्ड में, तो आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एंगल जैसे जैसे बदल रहा है, थीटा पहले जीरो था, फिर थीटा 30 हुआ, फिर थीटा 90 हुआ, तो ये बदलते जा रहा है और धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम अगला देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, इस पर अब हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखें क्या है, ई ए कॉस थीटा, ई ए ई का क्या होगा, आप जानते हैं ई क्या है, एफ बाई क्यू, और ये एरिया है, ये तो आसान है, मीटर स्क्वायर, ये तो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। अब फिर यहाँ पर लिखिए एफ का यदि निकालिएगा तो एफ का क्या होगा, न्यूटन, और इसका क्या होगा, कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर,
ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यदि डायमेंशन इसका निकालना है तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए। डायमेंशन के लिए सबसे पहले ये फोर्स है तो फोर्स का तो एम एल टी माइनस टू हम लोग लिख लेंगे, मीटर है तो एल स्क्वायर लिख लेंगे, चार्ज है तो आई इंटू टी, क्यों, क्यू इक्वल्स क्या होता है, आई इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, तो करेंट का आई ले लिए, टाइम का टी ले लिए। अब यदि हम इसको लिखें तो एम एल, ये टी ऊपर जाएगा, टी माइनस थ्री, ठीक है, ओ एल पर पावर थ्री दे दें ये दोनों को मिला के, एम लिखा गया एल क्यू, एल पर पावर थ्री, ये टी गया माइनस थ्री और आई पर पावर माइनस वन, ये आपका डायमेंशन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कॉन्सेप्ट को देखें हम लोग, यूनिट को देखें हम लोग, डायमेंशन को देखें हम लोग, तो आशा है कि आप लोग इसको समझे होंगे और इंजॉय किए होंगे। ओके, थैंक यू।